Okay, so today we are going to start with the chapter 7 of standard 11th. The name of the chapter is cell division. एकदम इजीली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर. बहुत सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. अब पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सेल डिवीजन का मतलब क्या और सेल डिवीजन चाहिए क्यों, रिक्वायर्ड क्यों है. अब सेल डिवीजन डिवीजन रिक्वायर्ड इसके लिए है क्योंकि अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ग्रोथ होता है. ओके, एट अ पर्टिकुलर पीरियड बेबी इज बॉर्न इन फीमेल्स. ओके, देन देर इज लॉट ऑफ अदर चेंजेस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रस्ते पर गिर जाते हो, आपको चोट लग जाती है, सो द रिपेयर ऑफ द टिश्यू शुड टेक प्लेस. बराबर, वाउंड हीलिंग जिसको हम बोलते हैं, ये सब ऐसे ही होता है क्या? नहीं, राइट. वॉट इज हैपनिंग इफ नाउ, अगर मैं अपने हाथ को जोर से मारूं, ठीक है, तो होगा क्या, बहुत सारे सेल मर जाएंगे. लेकिन मर गए तो बस खत्म हो गया? नहीं, दे विल कीप एंड कीप मेकिंग इट सेल्फ. दे विल कीप एंड कीप डिवाइडिंग. डिवाइडिंग का यहाँ पर मतलब ये होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. मतलब क्या, नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं. यहाँ पर डिवाइडिंग का मतलब ये नहीं कि नंबर उसका कम हो रहा है, डिवाइडिंग का मतलब होता है नंबर इंक्रीज हो रहा है. तो जब भी सेल डिवीजन होना होता है या सेल डिवीजन होने के लिए देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी शुड नो. देखो, सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमको ये पता होना चाहिए सेल पहले अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए. जैसे तुम कोई जंग में जा रहे हो तो तुमको प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को, एग्जाम के लिए जा रहे हो तो तैयारी करनी पड़ेगी. वैसे अगर सेल को डिवाइड करना है तो इट हैज़ टू प्रिपेयर इट्सेल्फ फर्स्ट. और प्रिपेयर कैसे करेगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो अब इस पार्ट में मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, एक सेल है, अभी एक सेल प्रिपेयर किया तो सेम वे ऑलमोस्ट अदर सेल्स भी प्रिपेयर करेंगे. तो वॉट वी आर इंटरेस्टेड इज, वी आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ सेल प्रिपेयर्स. सेल फॉर्मेशन किस तरह से होता है ये हमको जानना है अच्छे से. तो पहले तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि सेल साइकिल को हमको समझना है, तो पहले तो हमको एक सिंपल चीज़ समझनी पड़ेगी जिसका नाम है सेल साइकिल. आपको दिख रहा है प्रॉपरली, सेल साइकिल. अब सेल साइकिल क्या होता है, एक सीक्वेंशियल इवेंट्स का एक चेन होता है जो रिपीट करता है अपने आप में. मतलब जो एक सेल के लिए एप्लीकेबल है वो सभी सेल्स के लिए एप्लीकेबल होगा, ये इस तरह की एक कंसेप्ट हमको पढ़ना है. बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एकदम इजी कंसेप्ट है, अच्छी तरह से समझना. देखो, सेल में दो फेजेस होता है. पहले तो सेल डिवाइड होना है वो हमको पता है, सब बहुत फेमस है. सेल को डिवाइड करना है, सेल को डिवाइड करना, वी ऑल नो दैट. बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है सेल अपने आप को प्रिपेयर कैसे करता है. दो चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी है. पहली, प्रिपरेटरी फेज. मतलब जहां पर सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा. और दूसरा है एक्चुअल डिवीजन फेज. अब आप बोलोगे प्रिपरेटरी फेज क्या होता है, तो उसको हम प्यार से नेम नाम देते हैं इंटरफेस. बच्चों, क्या नाम देते हैं हम? इंटरफेस. और डिवीजन फेज को हम प्यार से नाम देते हैं एम फेस. अब ये सब क्या होता है, हम इसको समझने की ट्राई करते हैं. आई होप आपको दिख रहा है अच्छे से. क्या देख पा रहे हो? एम फेस, सिंपल. अब समझने की ट्राई करेंगे. चलो देखो, आपको अगेन, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया, अभी भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. आपको कोई भी चीज़ करनी है, राइट, तो आप पहले उसके लिए प्रिपेयर करते हो. वैसे ही सेल को डिवाइड करना है तो सेल को प्रिपेयर करना पड़ेगा. प्रिपेयर करना पड़ेगा इंग्रेडिएंट्स जो डिवीजन में काम आएगी. अब वो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो हम समझेंगे, लेकिन पहले तो ये समझ लीजिए ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरफेस. पहले ना लोग इसको ना, इस फेज को लोग पहले रेस्टिंग फेज बोलते थे. पहले इसको रेस्टिंग फेज बोला जाता था, लेकिन ये गलत है. इसको रेस्टिंग फेज बोलना बहुत गलत है, क्योंकि क्या होता था उस समय में, जब पहले पहले इस पर रिसर्च हो रही थी, जांच हो रही थी प्रॉपर तरीके से, तो इसको रेस्टिंग फेज इसके लिए बोलते थे क्योंकि हमको पता नहीं था कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि एक्सटर्नली कुछ विजिबल नहीं था. देखो समझो, जब मैं बोलता हूँ उसेन बोल्ट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया,
उस सन बोर्ड में इतने सेकंड्स में 100 मीटर का रेस कवर कर दिया, सबको वो अचीवमेंट दिखती है, लेकिन किसी को उस सन बोर्ड की 25 साल 30 साल की मेहनत नहीं दिखती। वैसे ही कुछ इस तरह से एनालॉजी इसकी समझी है। प्रिपेरेटरी फेज मतलब क्या, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, तो पहले किसी को दिखा नहीं वो कि सेल अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहा है, किस तरह से प्रिपेयर कर रहा है। हाँ बस दिखता था कि सेल डिवाइड हो रहा है, एम फेज हो रहा है। अब वो एम फेज है क्या वो बताऊंगा मैं, लेकिन लोगों को पहले यही दिखता था, यही विजिबल फेज दिखता था। लेकिन बाद में पता चला कि रेस्टिंग फेज नहीं है, ये हाईली एक्टिव फेज है, हाईली एक्टिव फेज है, हाईली एक्टिव फेज है। अब इंटरफेस जो है ये आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना पड़ेगा इसको। इसमें हमको तीन चीज की बात करनी है, पहली जीवन फेस का मतलब होता है गैप वन फेस, और फर्स्ट ग्रोथ फेस। फिर हम पढ़ेंगे एस फेस, जिसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है। वो सब क्या है मैं बताऊंगा, पहले आप नाम सुन लीजिए, अब जैसे मैं लिखाऊंगा नोट्स लिखते जाइए बच्चों। फिर हम पढ़ेंगे G2 फेस। अब G1 फेस क्या है, S फेस क्या है, G2 फेस क्या है, मैं आप सब बताऊंगा आपको। पहले आप नोट डाउन कर लीजिए जो मैं लिखा रहा हूं, अपने आप नोट डाउन कर लीजिए आप। फिर नेक्स्ट डिवीजन फेस, जिसको हम M फेस बोलते हैं। नाउ M स्टैंड्स फॉर, आपने सुना होगा लो स्टैंडर्ड्स में, मियोसिस या तो माइटोसिस। तो यहां पर एक्चुअली डिवीजन होता है। तो इंडिविजुअली अब एक एक चीज देखेंगे कि एक एक का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है? तो हम स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में, कि प्रॉपर डिस्क्रिप्शन क्या होता है सेल साइकिल का और किस तरह से दिखा जाता है, सेल साइकिल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल। एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा, देखो समझो, ये साइक्लिकल चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर इतना क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है बच्चों? यहां पर क्या होता है, एकदम सिंपल तरीके से समझने की ट्राई करना। मैंने एक बना दिया यहां पर, कैसे बना दिया, कैसे बना दिया इस तरह से कुछ, ठीक है? अब देखना बच्चों, समझने की ट्राई करना हर एक सीक्वेंस का रिलेवेंस क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, जो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे डॉटर सेल्स है, फॉर एग्जांपल हम सेल की बात कर रहे हैं, डिप्लॉयड सेल की हम बात कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, दो चीज़ें, पहली इंटरफेस प्रिपेरेटरी फेस और दूसरा एम फेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है पार्ट, इसको हम बोलेंगे G1 फेस, ये वाले पार्ट को हम बोलेंगे S फेस, ये वाले पार्ट को हम बोलेंगे G2 फेस, ठीक है? और ये वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे S फेस। क्या बोलेंगे बच्चों? M फेस। देखो ये पूरा जो पोर्शन है बच्चों, ये पूरा जो पोर्शन है यहां से लेकर के पूरा यहां तक, इसको हम बोलेंगे इंटरफेस बच्चों। क्या बोलेंगे? इंटरफेस। क्या बोलेंगे हम? इंटरफेस। इसके अंदर होता क्या मैं बताऊंगा, पहले आप साइकिल देख लीजिए किस तरह से होता है। एक और चीज समझ जाना, ये G1 फेस को लगता है 8 आवर्स और मोर। अब इसके अंदर क्या होता है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए 8 आवर्स और मोर। ये S फेस को लगता है 6 to 8 आवर्स। G2 फेस को लगता है 2 to 5 आवर्स। टाइम ड्यूरेशन भी बता रहा हूं बेटा, मैं लिख लीजिए, नोट कर रहे बेटा जो भी मैं बता रहा हूं नोट करे, ठीक है? फिर ये जो फेज है M फेस, इसको लगता है करीबन 1 to 3 आवर्स, ठीक है बच्चों? 1 to 3 आवर्स। अब इसके अंदर क्या होता है, इस फेस के अंदर एम फेस इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स बच्चों, ये चीज नोट करना खास करके, कैरोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। डरो मत, देख के डरो मत, क्या है नाम, डरने की जरूरत नहीं है। इसको हम डिवाइड करेंगे प्रॉपरली अच्छे तरीके से, पहले देख लीजिए अच्छे से,
मैंने क्या लिखा है? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब डिवीजन, मतलब सेल ने ऐसे स्टार्ट किया, सेल ने प्रिपेयर किया। अब प्रिपरेशन में क्या आता है आई विल टेल यू, बट सेल ने इतना प्रिपेयर किया, 8 घंटा, 6 से 8 घंटा, 2 से 5 घंटा, इतना प्रिपेयर किया। प्रिपेयर करने के बाद ये दो चीजें हुई, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। अब इसको समझने की ट्राई करना। चलो फॉर एग्जांपल एक सेल है, एक सेल है, सेल ने प्रिपेयर किया, प्रिपेयर किया, प्रिपेयर किया, आई विल टेल यू, प्रिपेयर किया, जी1 फेज हो गया, एस फेज हो गया, जी2 फेज हो गया। अब सेल के अंदर क्या होगा? पहले तो सेल के अंदर देखो, हमारा सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, ये एक सेल से हमको दो सेल चाहिए, बराबर। तो अगर इसके अंदर कुछ माल मसाला है, इसके अंदर कुछ मटेरियल है, तो वो दो में डिवाइड होना चाहिए। तो पहले तो क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है सेल का, न्यूक्लियस। तो पहले सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है इसके अंदर, सेल के अंदर, मतलब प्रॉपर डिवीजन होता है न्यूक्लियस का। वो कैसे होता है प्रिपरेटरी फेज में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर क्या होगा, न्यूक्लियस को छोड़ के जो मटेरियल होता है एक्स्ट्रा, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटो मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो पहले सेल में न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। इसको इस तरह से समझे, ये हो गया, तो ये एक सेल बन जाएगा और इसमें से एक सेल बन जाएगा। समझने की ट्राई करना, ये प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट दिस इज द वे हैव टू अंडरस्टैंड। मतलब पहले न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, फिर साइटोप्लाज्म अंदर का मटीरियल ने डिवाइड किया। तो ये जो एम फेज है, यहां पर दो चीजें हो रही है, कैरोकाइनेसिस न्यूक्लियस डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो यहां पर कैरोकाइनेसिस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, आपने सुना होगा, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, याद हो तो मैं लिख लेता हूं। पहला क्या है बोलो, याद है आपको, प्रोफेज। बच्चों याद है कि नहीं, प्रोफेज आपको दिख रहा है प्रॉपरली, थोड़ा उल्टे तरीके से लिखवाना है। फिर आता है मेटाफेज, फिर आता है एनाफेज, याद है बच्चों, फिर आता है टीलो फेस, फिर क्या आएगा बच्चों, टीलो फेस के बाद क्या आएगा, साइटोकेनेसिस भी होता है ना, लेकिन अभी टेक्सचर के बराबर से बताया नहीं उसके बारे में, साइटोकेनेसिस के बारे में, लेकिन साइटोकेनेसिस भी होगा। तो फिलहाल आप समझ लीजिए टीलो फेस हो रहा है और बच्चों साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है, ओके। तो साइटोकेनेसिस भी होता है, लेकिन अभी टेक्सचर का बताया नहीं उन्होंने लिख के बराबर से प्रॉपरली, लेकिन यस साइटोकाइनेसिस भी होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ओके। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। अब ये सेल साइकिल आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, जी हाँ बिल्कुल, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, लेकिन प्रॉपर एरोस के साथ बच्चों, ठीक है, कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो, किधर से स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपको सब चीज़ें बतानी है, कि यहाँ पर एक एरो, यहाँ पर एक एरो, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक एरो, तो फिर बाद में स्टेजेस है अलग अलग। तो ये इस तरह से आपको 4 या 3-4 मार्क के क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने क्या बोला बच्चों, इंटरफेस इज प्रिपरेटरी फेस, यहाँ पर क्या क्या होता है, जीवन, एस फेस और जी टू फेस। फिर एम फेस में क्या होता है, कायरोकेनेसिस एंड साइटोकेनेसिस। तो पूरा मैं आपको बता दिया। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपको कुछ नहीं समझा अब तक, तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ समझने का। इसको नाम से डरो मत बच्चों, बायोलॉजी में नाम से डरो मत, एक सिंपल चीज बताता हूँ मैं आपको। सिंपल चीज ये बच्चों कि एक सेल है, उस सेल को 1 से 2 बनना है, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, सबसे पहले तो प्रिपरेशन होगा उसमें, और प्रिपरेशन कैसे होगा, जीवन के थ्रू, एस के थ्रू, जी टू के थ्रू। अब प्रिपरेशन क्या हो रहा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन प्रिपरेशन हो रहा है जीवन के थ्रू, एस के थ्रू, जी टू के थ्रू। फिर अब सेल ने प्रिपेयर कर लिया अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, फिर क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा अंदर, मतलब कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। फिर 1 से 2 तो बनना ही है ना, तो साइटोकेनेसिस भी होगा। अब साइटोकेनेसिस प्लांट्स में अलग होता है और एनिमल्स में अलग होता है बच्चों, तो उसके बारे में भी हमको बात करनी पड़ेगी, तो वो भी हम फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन इतना समझ जाइए, एक सेल से हमको 2 सेल चाहिए थे, तो हमने ये सब स्टेप्स फॉलो किए। सेल साइकिल इंपॉर्टेंट है इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे, जीवन में क्या हो रहा है, एस में क्या हो रहा है, जी टू में क्या हो रहा है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, माइटोसिस क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मियोसिस क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमको क्यों चाहिए, क्यों रिक्वायर्ड है, ये सब चीज़ की हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बात करेंगे, तो थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ याद रखना, इसको नोट डाउन करना, प्रॉपर नोट्स बनाना, इस तरह से अच्छे से आप काम कर सकते हो। थैंक यू सो मच।